स्वागत है आपका हमारे चैनल अब्रिंग्स क्लासेस पर। आज का टॉपिक है कॉम्प्लीमेंट्स। कॉम्प्लीमेंट्स आप लोग जानते हैं फोर टाइप्स के होते हैं, टेंस कॉम्प्लीमेंट, नाइंस कॉम्प्लीमेंट, टूस कॉम्प्लीमेंट और बाउंस कॉम्प्लीमेंट। डिजिटल कंप्यूटर में जब भी हम कोई भी लॉजिकल मैनिपुलेशन या सबट्रैक्शन ऑपरेशन करते हैं तो उसमें हमें कॉम्प्लीमेंट्स की आवश्यकता होती है, क्योंकि कंप्यूटर हमेशा ऐड करता है ना कि सबट्रैक्ट करता है। सपोज डैट अगर आपको m माइनस n करना है तो हम क्या करेंगे, n का कॉम्प्लीमेंट निकाल के m में ऐड कर देंगे, ठीक है। तो कॉम्प्लीमेंट्स आर यूज्ड इन डिजिटल कंप्यूटर्स फॉर सिंप्लीफाइंग द सबट्रैक्शन ऑपरेशन एंड फॉर लॉजिकल मैनिपुलेशंस। टू टाइप्स के होते हैं आपके, आर्स कॉम्प्लीमेंट और आर माइनस बंस कॉम्प्लीमेंट। आर्स कॉम्प्लीमेंट में आपके टेंस कॉम्प्लीमेंट और टूस कॉम्प्लीमेंट होते हैं। आर माइनस बंस कॉम्प्लीमेंट में आपके नाइंस कॉम्प्लीमेंट और बंस कॉम्प्लीमेंट होते हैं। किस तरह आप फाइंड करेंगे टेंस कॉम्प्लीमेंट और किस तरह निकालेंगे टूस कॉम्प्लीमेंट, ठीक है। तो और आज के जो वीडियो है आपका, इसमें हम केवल डिस्कस करेंगे आर्स कॉम्प्लीमेंट के बारे में। तो आर्स कॉम्प्लीमेंट किस तरह निकालते हैं, यानी कि टेंस कॉम्प्लीमेंट या टूस कॉम्प्लीमेंट। तो गिवेन ए पॉजिटिव नंबर, आपको इसमें एक धनात्मक संख्या गिवेन होगी, यानी कि एक पॉजिटिव नंबर गिवेन होगा एन इन बेस आर, और उसका बेस भी गिवेन होगा कि वो डेसिमल है या बाइनरी है। बेथ एन इंटीजर पार्ट ऑफ एन डिजिट, और जो नंबर होगा उसमें इंटीजर पार्ट भी गिवेन होगा कि वन है, टू है, थ्री है या उसका जीरो है, ठीक है। यानी कि पॉजिटिव नंबर होगा, उसका बेस होगा और उसमें इंटीजर पार्ट ऑफ एन डिजिट्स, यानी कि उसमें कितने डिजिट का इंटीजर पार्ट है वो भी आपको गिवन होगा। तब हम आर्स कॉम्प्लीमेंट किस तरह निकालेंगे, यानी कि द आर्स कॉम्प्लीमेंट, उसका क्या फार्मूला होगा, ठीक है। द आर्स कॉम्प्लीमेंट ऑफ एन, यानी कि जो आपका पॉजिटिव नंबर है एन, इज इक्वल टू आर की पावर एन माइनस एन। आर क्या है, आपका बेस है, स्मॉल एन इंटीजर पार्ट, यानी कि कितना है उसका, और इसमें एक जो कंडीशन है माइनस नंबर, यानी कि जो नंबर होगा वो नॉट इक्वल टू क्या होगा, जीरो होगा, ठीक है। अगर नंबर जीरो होगा तो आप उसका कॉम्प्लीमेंट्स नहीं निकाल सकते। एग्जांपल देखते हैं हम इसका, टेंस कॉम्प्लीमेंट, यानी कि द टेंस कॉम्प्लीमेंट, आपको एक नंबर गिवन है 5 2 5 2 0, ठीक है। तो इसका बेस कितना है आपका, 10 है, यानी कि आर की वैल्यू कितनी है, 10 है। नंबर ऑफ डिजिट कितना है, इंटीजर पार्ट इसका कितना है, 5 है, तो बेस तो हो गया 10, स्मॉल एन की वैल्यू 5 माइनस नंबर, नंबर कितना, 5 2 5 2 0, 10 की पावर 5 यानी कि 1 और 5 0, ठीक है। तो माइनस कितना हो गया, 5 2 5 2 0, आप इसे माइनस करेंगे तो 0 माइनस 0 कैरी लेंगे, तो 10 माइनस 2 8 4 7 4, ये आ गया आपका टेंस कॉम्प्लीमेंट। या देखो टेंस कॉम्प्लीमेंट और भी निकाल सकते हैं, अगर हम राइट हैंड साइड से देखेंगे, ठीक है, लिस्ट सिग्निफिकेंट जो डिजिट होगी बिट उससे देखेंगे, तो जीरो को तो उस छोड़ दो, उसके जीरो के बाद जो भी नंबर होगा उसे हम 10 से माइनस करेंगे और जो रिमेनिंग नंबर है उन्हें हम 9 से माइनस करेंगे, ठीक है। तो 10 माइनस 2 करेंगे 8 आ जाएगा और बाकी सारे नंबर 9 से माइनस कर दो, तब भी आप टेंस कॉम्प्लीमेंट निकाल सकते हैं। अब टेंस कॉम्प्लीमेंट ऑफ, अभी क्या है आपका, एक फ्रैक्शन नंबर है, ठीक है, 0.2719 इंटीजर पार्ट 0 यानी कि 10 की पावर 0 माइनस एन एंड 0.2719, किसी की पावर 0 उसकी वैल्यू कितनी होती है, 1 होती है, माइनस 0.2719 माइनस करेंगे आप, ठीक है। तो अगेन आप 9 यानी कि 10 से माइनस करेंगे तो कितना हो गया 1, अब बाकी जितने नंबर है 9 से माइनस करो, 9 माइनस 1 8, 9 माइनस 7 2, 9 माइनस 2 7, ये आ गया आपका आंसर। थर्ड है आपका टेंस कॉम्प्लीमेंट
ऑफ, अब इसमें आपका इंटीजर पार्ट भी होगा और फ्रैक्शन पार्ट भी होगा, ठीक है। 25.75 का निकालना है। तो फार्मूले में सीधी क्या, आर की पावर एन, स्मॉल एन क्या है आपका नंबर ऑफ डिजिट, यानी कि इंटीजर पार्ट कितने नंबर का है, तो इसमें कितने इतने दो, तो 10^2 -25.75, 10^2 का मतलब 100, 100 -25.75, तो 5 को तो 10 से माइनस कर दो 5, और बाकी सारे नंबर जितने बचे हैं उन्हें 9 से माइनस कर दो, तो 9 -7 = 2, 9 -5 = 4, 9 - 2 = 7, यानी कि 74.25 आ गया। अब देखते हैं हम नेक्स्ट एग्जांपल है आपका, द टूस कॉम्प्लीमेंट ऑफ, अब जो नंबर है वो कौन सा होगा आपको बाइनरी गिवन होगा, तो बाइनरी नंबर है आपका 101100 और इसका बेस 2 है। अब देखो बेस 2 है, नंबर ऑफ इंटीजर कितने हैं 6 है, तो 6 डिजिट का ये इंटीजर पार्ट है इसका, तो 2^6 कितना होगा 64, 64 क्या हो जाएगा आपका डेसिमल नंबर, तो इसलिए इसका बेस कितना लगा लिया 10। नंबर क्या है आपका 101100, बाइनरी नंबर है तो इसका बेस लगा लिया आपने 2^6 यानी कि 64, 64 को बाइनरी में किस तरह लिखेंगे, ठीक है। अब 64 को बाइनरी में जब लिखेंगे 2^6, 2^0 से स्टार्ट करते हैं, यानी कि जो टोटल नंबर ऑफ बिट्स कितनी होंगी 7, तो 1 और 6 क्या होंगे उसमें 0 होंगे, -101100, ठीक है। अब जब इसे माइनस करेंगे तो क्या आएगा, 0 में से 0 तो 0 आएगा, 0 में से 0 0 आएगा, 1 कैरी लेंगे तो इधर तो 1 1 बचेगा और वहाँ पे 1 0 1 0 कितना होता है 2, 2 - 1 कितना होगा 1, ठीक है, 1 - 1 0 1 - 0 1 और 1 - 1 कितना हो गया 0, तो ये नंबर आ गया आपका 0101100। सेकेंड क्या है, अगर टूस कॉम्प्लीमेंट किसी भी नंबर का निकालना हो तो सिंपली क्या है आपकी जो शॉर्ट ट्रिक है वो ये है कि LSB से आप शुरू करो, जैसे इसमें 0 0 है तो उसे 0 0 उतार लो, फिर 1 मिला तो 1 उतार लो, उसके बाद जितने भी हैं तो 1 को 0 कर दो और 0 को 1 कर दो। अब आपको फ्रैक्शन पार्ट का निकालना है, फ्रैक्शन पार्ट का मतलब क्या है, बेस 2 है, 2^ कितना हो जाएगा 0, ठीक है, माइनस नंबर आपका 0.0110, 1 - 0.0110, ठीक है। अगेन हम इसमें 1.40 ले लें, ठीक है, ठीक वैसे ही हम इसमें क्या करेंगे बोरो ले लेंगे, तो क्या आ जाएगा आपका 0.1010, ठीक है। और मैं इसका शॉर्टकट मेथड बता दूंगा आपको कि किस तरह से सॉल्व कर सकते हैं हम, सिंपली डायरेक्ट इसे किस तरह से निकाल सकते हैं, ठीक है, वो बारे मेथड भी मैं इसमें डिस्कस करूंगा आपको, क्योंकि सिंपली क्या है आपको ये कभी ऐसे निकालने को आए तब तो आपको इसी तरह निकालना है, ठीक है। अब देखो जैसे ये नंबर दिया है 2^0 2^1 2^3 2^4 5 6 7 8, ठीक है, 2^0 1 2^1 2 2^2 4 2^3 8 16 32 64 128 256। अब देखो 6 पे है ना 64, तो वहाँ एक तो 1 होगा और टोटल 0 से शुरू हुआ है, यानी कि जो नंबर होगा वो 7 बिट का होगा, तो 1 और 6 0 हो गए आपके, ठीक है। अब जो नंबर आपको माइनस करना था 1 0 1 1 0 0 वो कितना था आपका 32 और 8 कितने हो गए 40 और 4 44, यानी कि जो नंबर था वो आपको 44 था, ठीक।
ठीक है। 44 का आपको क्या निकालना था, टूस कॉम्प्लीमेंट निकालना था। तो टूस कॉम्प्लीमेंट निकालने के लिए और माइनस कितने से करना था, 2 की पावर 6 यानी कि 64 से। तो इसका एक सीधा सा मेथड ये है कि आपने क्या किया, 64 को 44 से माइनस कर दिया, 64 से 44 माइनस कर दिया, 20 बचे, 20 का बाइनरी नंबर लिख दो वहाँ पे। अगर आपको सब्ट्रैक्ट करने में कठिनाई हो रही है तो उसे डेसिमल में चेंज करो, माइनस करो, उसका बाइनरी लिख दो। अब 20 का क्या होगा बाइनरी, यही होगा आपका 0 1 0 1 0 0 0 1 0 1 0 0। बस या तो आप डायरेक्ट उसे माइनस कर लो, अगर उसमें कठिनाई हो रही तो डेसिमल में चेंज करो, माइनस करो, उसको बाइनरी में कन्वर्ट कर दो और लिख दो। लेकिन ये सारा कार्य कहाँ करना है आपको, रफ वर्क पे, ठीक है, कहाँ करना है, रफ वर्क पे। अगर आप वहाँ करोगे तो वो समझ जाएगा कि इसने आता नहीं है इसे सब्ट्रैक्ट करना, बस इसने इसमें क्या किया है, ट्रिक का यूज किया है, ठीक है। अब सेकंड क्वेश्चन था जैसे आपका 1 माइनस 0.0110। तो जो फ्रैक्शन पार्ट है उसे आप इंटीजर में कन्वर्ट कर लो, यानी कि जो फ्रैक्शन पार्ट है उसे आपको किस में कन्वर्ट करना है, डेसिमल नंबर सिस्टम में, ठीक है। बाइनरी में दिया हुआ है उसे डेसिमल में चेंज कर लो। तो 0 × 2 की पावर -1, 1 / 2 की पावर -2, 1 / 2 की पावर -3, यानी कि 1/4 प्लस 1/8, 3/8, और इसे जब डिवाइड करेंगे तो 0.375 आ गया। इसे आपको माइनस करना है, तो जब माइनस करेंगे तो कितना आएगा, 6.625। इसे आप कन्वर्ट कर दो अगेन बाइनरी नंबर में। अब बाइनरी नंबर में कन्वर्ट करने के लिए क्या, इससे हम मल्टीप्लाई करेंगे, तो टू से मल्टीप्लाई करोगे तो क्या आएगा आपका, 0.52, ठीक है। 1 को इधर लिख लो, 0.250 का अगेन 2 से मल्टीप्लाई करो तो 0.50, फिर 0 को लिख लो, फिर 0.5 की मल्टीप्लाई करो 2 से, फिर 1 आ गया इधर, 0 0 आ गया फ्रैक्शन पार्ट, 1 लिख लो। जब हम इंटीजर पार्ट को कन्वर्ट करते हैं तो बॉटम टू टॉप लिखते हैं, लेकिन इसमें क्या है, टॉप टू बॉटम, तो क्या आ जाएगा, 1.1010। बस ये आपका आंसर हो जाएगा। तो या तो आप डायरेक्ट कर लीजिए, वरना इस तरह से चेंज कर लीजिए। थैंक यू।